हमारी फिल्म भावनाओं को समझो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में चली गई है। मैं तो समझता हूँ कि भाई ये मेरी नहीं, ये स्टैंड अप कॉमेडी की जीत है और हमारे स्टैंड अप कॉमेडी के जो भाइयों ने साबित कर दिया है, हम सब ने मिलकर ये जो काम शुरू किया था सबके सपोर्ट से ये जो जिस अंजाम तक पहुंचा, एक एक बंदे का इसमें सपोर्ट है। सारे के सारे स्टैंड अप कॉमेडियन, हमारी फिल्म की सारी यूनिट, इवन द स्पॉट बॉय, लाइट मैन, एवरीबॉडी हैज सपोर्टेड ऑल थ्रू द जर्नी एंड दैट इज व्हाई वी हैव रीच्ड द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड नॉमिनेशन। थैंक्स टू एवरीबॉडी फ्रॉम टीम ऑफ भावना को समझो। बहुत अच्छा लग रहा है भक्तजनों, भावनाओं को समझो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम हो जाना, वो तो ऐसे ही हो गया जैसे एक ड्रीम कम्स ट्रू। बहुत दिनों से सपना देखा, आज मैंने अपना देखा। भाई साहब ऐसा है, ये जो गिनीज बुक में नाम आ गया है भावनाओं को समझो का, बहुत बड़ी बात है, मजाक नहीं कर रहे हैं, ये हंसी खेल नहीं है। 51 कलाकार को मतलब जमा किया जिनको कोई पूछता नहीं था, ऑफिस जाते थे। फिल्म हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से दरखास्त करूंगा, हाँ, कि हम लोगों ने मिलकर सनम कौंड ने मिलकर ये फिल्म बनाई जिसके लिए पूरी दुनिया ने हमें नवाजा है गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड से। आप भी हमें मदद करें, फिल्म देखने आए क्योंकि सुनील का खर्चा बहुत हो गया। मल्टीप्लेक्स टैक्स फ्री करें मल्टीप्लेक्स वाले हमारे अंदर मल्टीप्लाई हो जाए और अगली फिल्म भी बना सके। हाँ, और अगली फिल्म भी बना सके। और भारत सरकार को हम एक धन्यवाद करना चाहेंगे कि हम टैक्स फ्री करें हमारी फिल्म को। भारत का एक नागरिक जिसने ये सम्मान पाया है और भारत की ऐसी कॉम जिसे स्टैंड अप कॉमेडी कहा जाता है उसने ये सम्मान पाया है, तो इसके बारे में प्लीज हमारी भारत की सरकार भी सोचे।